अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों अभी हम सेटअप पर आ गए और यार अभी ना हमने पूरे सेटअप की भाई वीआईपी करके जो है सफाई कर दी है, यहाँ की भी कर दी है ठीक है और वहाँ की भी कर दी है। और वहाँ पे देखें शामिर साहब हमारे खड़े हैं जो सफाई वफाई कर रही है अभी, और पानी वानी चेंज कर दिया हमने सारा ना अपने बट्स का ठीक है। और यार इस डक्स को देखें, ये यार हमारी ना मुर्गियों को बड़ा तंग कर रही है भाई। डक्स का भी कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा, शामिर कोई केज वेज बनाना पड़ेगा हमें डक्स के लिए भी। यार इसमें ये रह नहीं पाती ना, इसमें परेशान होती हैं ये। तो दोस्तों यार इनके नाम है ना डक्स का भी कोई इंतजाम करना पड़ेगा। और दोस्तों एक और बात तो यार मैंने आपको बताई नहीं, हमने यहाँ पे कल आपको पता होगा हमने अपने जो मैडम के चिक्स थे वो यहाँ शिफ्ट करे थे और मैडम को भी, मगर इत्तेफाक से शाम में पता है तुम्हें रात में क्या हुआ, रात में बिल्ली आ गई थी। दोस्तों रात में ना भाई इत्तेफाक से मैं ऊपर आया तो मुझे ना चीखने की आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने आके देखा तो भाई हमारे ना सेटअप पे दो बिल्ली आ गई थी हमारे चिक्स को खाने के लिए। वो तो फिर मैंने फटाफट भाई यहाँ से सारे चिक्स को उठा के वहाँ पर वापसी ना अपने मैडम के केज में शिफ्ट कर दिया था। है सेटअप पे आई हुई थी यहाँ पे, हाँ चिक्स को खाने के लिए सारी मुर्गियाँ चीख रही थी इस चक्कर में। तो दोस्तों फिर मैंने फटाफट ना सारे चिक्स को भाई अपने ना केज में शिफ्ट किया। और ये चीले क्यों आ गए यहाँ पे इतनी सारी, हाँ कोई गोश्त वोश खिला रहा होगा भाई दोस्तों चीलों को ना। बाकी फिर भाई हमने कल जो है बच्चों को तो शिफ्ट कर दिया था, मैडम यहीं पे थी, मगर इत्तेफाक से ना मगर सुबह जो हमने अपने मुर्गे को और मैडम को खोला तो ये मुर्गा यार हमारी कुड़ुक मुर्गियों को तंग कर रहा था दोनों को ना, इसने इतना तंग किया हमारी मुर्गियाँ परेशान होकर उड़ गई थी। तो फिर भाई मैडम भी भाग के अपने बच्चों के पास चले गई थी, तो हमने उसको वापस बंद कर दिया। और जो है ये ना हमारा जो मुर्गा ये अब अकेला बंद हुआ है। तो यार मैं जो है ना अब सोच रहा हूँ कि इसको ना वापस जो है अपने केज में शिफ्ट कर दूँ, इन दोनों मुर्गियों को भी और जो है इस मुर्गे को भी ठीक है, इन दोनों मुर्गियों को और इस मुर्गे को वापस ना अपने केज में शिफ्ट कर देता हूँ और सुल्तान को यहीं पे ले आता हूँ, क्योंकि सुल्तान तो यार यहाँ पे ना सुकून से रहता है और सुल्तान इतना तंग वंग भी नहीं करता। और ये देखें कोई सामने ना गोश्त वगैरह खिला रहा है, कितनी ज़्यादा चीले आई हुई यहाँ पे ना देख रहे हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों हाँ शामिर क्या कर रहे हो, मंकी हाँ। शामिल हर चीज लाएंगे सेटअप पे, मगर पहले हमारे पास सेटअप पे रखने की जगह तो हो। चाचू मुझे वो भी चाहिए पांडास। पांडास हाँ। पांडास देखे हैं तुमने? नहीं। तो फिर चलो चाहिए ना। तो दोस्तों इंशाल्लाह भाई सेटअप पे ना सारी चीजें आएंगी, बस सेटअप पे थोड़ी हमें ना सेटिंग करनी केजीस वगैरह की, ताकि यार हम सारे अपने बर्ड्स वगैरह को सुकून से रख सकें ठीक है। बाकी तो अभी यार ये मुर्गियां वगैरह थोड़ी खुल जाती हैं जो इनके पास केज नहीं है, बाकी हमारे पास डक्स के पास केज नहीं है, ये भी बाहर घूमते रहती हैं। हाँ ये हमारे जो ये लोमन ब्राउन है ना दोनों भाई, ये तो भाई मासूम सी हैं। और अभी मैं क्या करता हूँ इन दोनों को और इस मुर्गे को ना शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि मुर्गा ना खोल रहे हैं तो ये हमारी मुर्गियों को तंग कर रहा है, जो हमारी कुड़ुक मुर्गी है ना इन सबको तंग कर रहा है। तो इसको यार यहाँ पे रखना फजूल है, हम अपने सुल्तान को वापस यहाँ पे खोल देते, क्योंकि सुल्तान तो एडजस्ट हो जाता है और ये मुर्गियाँ तो एडजस्ट हो गई, मगर वो मुर्गा नहीं हो रहा ना, हमारी मुर्गियों को तंग कर रहा है, फिर वो अंडों से उठ उठ के भाग रही हैं। और शामिर एक और बात, चॉकलेट ने यार आज फिर अंडा दे दिया है? हाँ दोस्तों भाई चॉकलेट ने शामिर दोबारा अंडा दे दिया, आज 12 अंडे होगा। आज अभी मैंने देखा नया अंडा, सुबह ना आया तो चॉकलेट ना बाहर घूम रही थी, मैंने आके देखा वो नया अंडा और मैंने अंडे गिने तो 12 हो गए। वही लैला वाला सीन कर रही है शामिर, ये तो भाई हमारी जो लैला थी वो भी ना उसने भी यही सीन किया था, कुड़ुक पे बैठी हुई थी अंडे दे जा रही, देते देते उसने 15 अंडे दे दिए थे, अब चॉकलेट ने भी ना यही किया, पहले अंडे नहीं दे रही थी, 9 अंडे दे के उसने स्टॉप कर दिया था, जब उसको हमने कुड़ुक पे बिठा दिया तो अब वो अंडे दे दे के उसने 3 अंडे दे दिए, अभी 12 अंडे हो चुके हैं। अब देखते हैं भाई उसके ना 12 के 12 अंडों में से बच्चे निकलते हैं या नहीं निकलते, और बाकी और क्या बोलते हैं और अंडे देती है या नहीं देती। मैं तो बोलना शामिर और अंडे ना दे आ रही है दोस्तों भाई, अब देखते हैं यार अंडों में से बच्चे निकलते हैं नहीं निकलते, बाकी हमने बिठा तो दिए 12 अंडे उसके नीचे हैं और इस वाली के नीचे पता नहीं 16 या 17 अंडे ठीक है ना, अब देखते हैं इनमें से बच्चे निकलते हैं या नहीं निकलते, बाकी तो यार अल्लाह की मर्जी है ठीक है। और इनको देखे हमारे रैबिट्स को भाई सुकून से घूम रहे हैं, वो स्नो को देखे किस तरह मजे से ना गेट पे सो रहा है, ट्विंकल नहीं है स्नो है शामिर, ये ट्विंकल तो नीचे शायद केज के नीचे इस केज के ना। बाकी शामिर शेरू भी माशाल्लाह हमारा भाई अच्छा हो रहा है शामिर, देख सो भाई जब से हमने ना इसका दाना वाना स्टार्ट किया ना माशाल्लाह हमारा शेरू अच्छा हो गया काफ़ी ना, मतलब इसका पेट वेट भी बिल्कुल सही हो गया है। और अभी देखें ये ना परेशान हो रहा है, और यार ये बहुत ना अपनी गर्दन को खींचता है यार, मुझे ना इसका बहुत वो होता है, देखें इसकी गर्दन पे ना निशान भी हो गया यहाँ पे,
इतना ना अपनी गर्दन को खींचता है। तो शाम में सबसे पहले यार शेरू को दाना दे देते ताकि सुकून से अपना दाना वाना खाते रहे, फिर हम अपने बाकी बर्ड्स को दे देंगे। हाँ दोस्त यार इसको ना मैं दाना दे देता हूँ ताकि सुकून से अपना दाना वाना खाते रहे, फिर हम अपने बाकी बर्ड्स को ना शिफ्ट वगैरह कर देंगे, क्योंकि इन लोग को भी हमें वापसी शिफ्ट करना है अपने केज में और सुल्तान को यहाँ पे लाना, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको हमारे ना रैबिट्स के बच्चे को देखें किस तरह से भाई हमारे ना क्या बोलते हैं लाल वाले मुर्गे के केज में जो है घुस गया। दोस्तों शामिर भी भाई दाना लिया, शामिर जल्दी आ जाओ, क्या कर रहे हो इतना स्लो स्लो आते हो। शामिर ये पता नहीं किस तरह घुस गया, और शामिर कल भी घुसा हुआ था, हमने कल देखा नहीं था। तो हमने मैडम की चिक्स को यहाँ पे शिफ्ट किया ना, जब मैं रात में व्लॉग एडिट कर रहा ना तो मैंने देखा ही जाल के अंदर था, हमने तो देखा ही नहीं था कल भी इसको। हाँ और आज भी घुसा हुआ है अंदर जाके ना, दाने वाना खा रहा है उसके साथ ना। हाँ चलो ना फटाफट डालो, तुम क्या कर रहे हो इतनी स्लो स्लो आ रहे हो, आराम से एक कोने से डालो, सारा गिरता है वो देखो, एक कोने से मैंने बोला एक कोने से डाला करो ताकि ना दाना गिरे ना। अब देखिए माशाल्लाह भाई ये बड़े शौक से खाएगा। आप ट्विंकल ना थोड़ी देर में देखिएगा आप, ये ट्विंकल आ गई है और ना थोड़ी देर में ये ऊपर चढ़ जाएगी। अभी तो भाई माशाल्लाह सुकून से खा रहा है ये। अब ना शामिर हम यार ये वाली मुर्गियों को शिफ्ट कर देते हैं वापस ना इनके केज में ही, सुल्तान को यहाँ लिया था, क्योंकि ये मुर्गा शामिर हमारी कुड़ुक मुर्गियों को तंग कर रहा है। इनको भी वापसी वहीं शिफ्ट कर देंगे। पता है सुबह क्या हुआ, इस मुर्गे को पप्पा ने खोला और ना इसने ना मुर्गियों को तंग किया, हमारी सारी कुड़ुक मुर्गियाँ उड़ के ना छत पे चले गई थी। हाँ दोस्तों हमारी कुड़ुक मुर्गियाँ ना अंडों पे से उठ के जो है छत पे भाग गई, क्योंकि ये मुर्गा इतना तंग कर रहा था। तो यार इसको फिर फायदा नहीं है ना इसको यहाँ बंद रखे, मुर्गा भी ऊपर चले गया था। फिर भाई मुर्गी को बड़ी मुश्किल से पकड़ पकड़ के नीचे लाया, फिर मुर्गियों को वापस बिठाया जब ही हमने मुर्गियों को बंद करके रखा हुआ है। तो यार फायदा नहीं है ना, ये मुर्गा ही जाल में बंद रहे, इसको वापस भाई अपने केज में इसके शिफ्ट कर देते हैं, सुल्तान को यहाँ खुला छोड़ देते हैं। हाँ क्योंकि सुल्तान तो यहाँ पे रह लेता खुला ना आराम से। तो चलिए दोस्तों ज़रा मैं इसको शिफ्ट कर दूँ, हाँ तो फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो दोस्तों यार हमने अपने मुर्गे को और लोमन ब्राउन को तो वहाँ पर शिफ्ट कर दिया, सुल्तान भी यहाँ पर आ गया है और ये शामिर लुस्सन भी लाया। शामिर इधर दिखाओ ज़रा, अब इनको लुस्सन भी डाल देते हैं। आज सेटअप भी पूरा साफ सुथरा है, सारी ना खा लेंगी। और ये शामिर देखिए वहाँ बजरी इसको डाल ला है हमारे यहाँ पे, सारा डाल देते हैं बस थोड़ा डालो, क्योंकि थोड़ा ही है ना अब तो, ज़्यादा नहीं है। बाकी लव बर्ड को भी डाल दो। अब ये सारे बच्चे देखिए एक एक करके हमारे आएंगे निकल के, सारे अंदर छुपे में, एक तो आ गया दूसरा आ गया, अब जो स्नो को भी पता लग गया है, अब स्नो भी आ रहा है। अब एक एक करके भाई ये सारे आएंगे माशाल्लाह भी लुसन खाने के लिए। शामी इसको इनको भी थोड़ा डालना, लव बर्ड को बाकी नीचे ही डाल देना, इधर हमारी मुर्गियाँ ये रैबिट्स खाएंगे हमारे, ठीक है। तो यार दोस्तों अभी जो है ना हमारे सारे बर्ड्स ने लुसन वगैरह खा लिया, वहाँ दुम्बो को भी डाल दिया था, तो भाई अब ये भूखे हो रहे थे और ना, तो अब मैं इनके लिए दाना लिया। और हालांकि इन्होंने देखे लुसन साफ नहीं किया तो, मगर इनको दाने की भूख होती है ना, असल में दाना इनका फेवरेट होता है आपको पता है। तो अभी दाना इनको हमने डाल दिया माशाल्लाह, अभी दाना भाई सुकून से खाएंगे। यहाँ शेरू ने दाना ख़त्म कर दिया, थोड़ा बहुत दाना था इसको, मैंने थोड़े कुछ जो है केले के छिलके वगैरह डाले थे वो आए हुए थे, तो इसने माशाल्लाह वो भी खा लिए, बाकी दाना वाना खा रहा है ये। अब इसको थोड़ी देर में पानी वानी पिलाते हैं। और दोस्तों अभी जो है ना मैं क्या सोच रहा हूँ इनको ना मैं अभी खा लेते इंजेक्शन भी लगा देते हैं, क्योंकि यार इन्होंने अभी पेट वेट भी भर गया, मुझे इंजेक्शन लगाने थे रोज़ ही मैं भूल रहा था, तो आज मुझे याद आया, अभी मैं इंशाल्लाह इनको जो है इंजेक्शन लगा देता हूँ खाल के ना, ला के फटाफट और आपको दिखाता भी हूँ कि लगते कैसे हैं, ठीक है ना। जब तक ये लोग खा रहे हैं खाना वाना फिनिश कर लेंगे, अपना साफ कर लेंगे ना, पेट भर जाएगा, फिर जो है इनको इंजेक्शन लगाएंगे ताकि जो है इनको जो है कोई ना साइड इफेक्ट ना, मतलब वो इंजेक्शन थोड़ा हार्ड होता है ना, पेट वेट भरा हुआ होगा ना तो इनको जो है कुछ मतलब नुकसान नहीं होगा, जो है कमजोरी वगैरह नहीं होगी उससे। तो अब इनको इंजेक्शन लगाते हैं फिर आपको दिखाएंगे भी। बाकी तो भाई हमारी सारे रैबिट्स ने लुसन देखे सारे यहाँ से साफ कर दे जो मैंने डाला था, और ये थोड़े आलू के छिलके थे तो मैंने यहाँ डाल दिए थे ताकि हमारे जो रैबिट्स के बच्चे ना ये खा लें। अब वो एक ही खा रहा है, बाकी तो सारे पता नहीं कहाँ निकल गए। और ट्विंकल को देखे भाई, और यार ट्विंकल की बेचारी की हालत देख देख के ना मुझे यार हंसी आती है, इसकी पता नहीं अजीब ही हालत हो गई, पूरी गंजी हो गई है ये आगे पीछे से सब जगह से। और अब देखें भाई ये ट्विंकल जो हमारी दोबारा कब ब्रीड करती है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ब्रीड कर देगी, जब तक भाई हम ना अपने बच्चों को भी बड़े वाले जो रैबिट्स की वाले बच्चे ना इनको हमने सोच लिया अब जो है अलग कर देंगे इंशाल्लाह, इनको जल्दी से कोई सेटिंग करते हैं इनकी, ताकि यार जो नए बच्चे आएंगे ना वो जो है हमारे यार मरे ना, हमारे पास सर्वाइव कर जाए इंशाल्लाह ना। बाकी हमारे यहाँ बजरीस और लवबर्ड भी खा रहे हैं मज़े से ना, ये देख सकते हैं। और यार गिनी पिग्स को भी हमने डाल दिया था माशाल्लाह, भाई हमारे गिनी पिग्स भी खा रहे हैं। और गिनी पिग्स की भी भाई केज की सेटिंग वेटिंग करनी आ रही है ना माशाल्लाह, बहुत जल्दी ब्रीड करने वाले हैं, तो भाई इनकी केज की भी कोई सेटिंग करते हैं एक दो दिन में, ठीक है ना। अभी तो माशाल्लाह भाई ये हमारी जो बबली है ना बड़ी डरती है, अब तो मैंने ना इनको थोड़ा हाथ में लेना शुरू कर दिया है ताकि यार ये हाथ वाथ में आए,
और ना ये डरे ना थोड़े ना, वरना बहुत डरते थे, अब तो सुकून से ये आ जाते हैं हाथ में। चलें जरा ये खा वाले, मैं जब तक इंजेक्शन वगैरह ले आता हूँ जो है मैंने नीचे रखे हैं ना, फिर जो है मैं लगाता हूँ और आपको दिखाता भी। तो दोस्तों अभी जो है ना मैं ये जो है इंजेक्शन लेकर आ गया हूँ, ये देख सकते हैं। अच्छा ये मैं आपको बता दूँ ये है कौन सा, ये है आइवरमेक्टिन, आइवरमेक्टिन सुपर 8 मतलब 2% है। अच्छा इसका ना लेबल जो है उतरा हुआ था, वो ना हमसे उतर गया था, तो इस वजह से लेबल आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये जो हम आज लगा रहे हैं इनको आइवरमेक्टिन सुपर लगा रहे हैं, 2% लगा रहे हैं, ताकि 2% से ना इनका मतलब इनके, अभी मैं अगर आपको दिखाऊँ ना करीब चल के, तो ये देखें इनके ना थोड़ी जुएँ वगैरह हो गई हैं, ये देख रहे हैं जुएँ आपको नज़र आ रही होंगी बारीक बारीक, ये जो काली काली अंदर आगे पीछे हो रही है, देखें इनकी खाल में जितने भी मतलब जुएँ वगैरह हो गई ना, एक तो ये इनको ना कीड़ों से या जुओं से जो मतलब इनके बालों में हो गई है ना, या इनकी खाल में जुएँ हैं कीड़े हैं या चीचड़ वगैरह जो भी है ना, ये जो है इनको ना उससे बचाएगा, ठीक है, इनकी खाल में शाइनिंग लाएगा और जो है ना इनकी खाल को ना लूज करेगा, मतलब इनको बनने के में ना आसानी होगी, ताकि मतलब और इनकी खाल खुले तो ये जब ही ना फिर और टाइट बने, तो भाई ये जो है ना काम वो करता है, ठीक है। और ये हम लगाएंगे अपने छोटे वाले दुम्बे को ना, अच्छा हम इसको शेरू को लगाएंगे, एक एक वो एक सीसी, ये शामिर के हाथ में सिरिंच है, ठीक है, एक सीसी लगाएंगे, ठीक है। और अपने बड़े दुम्बों को ना इन दोनों को भाई दो दो सीसी लगाएंगे, और जो है ये जो है कोर्स ना हम 10-10 दिन में ना जो है 3 बार रिपीट करेंगे, और आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे भी। तो भाई ये कोर्स 3 बार रिपीट करने के बाद फिर जो है हर 6 महीने में इनका कोर्स होता है, अब इनको काफ़ी टाइम हो गया, 3 महीने में भी कर सकते हैं आप, अगर एक एक पर मतलब सीसी लगाएं तो 3 महीने में, अगर दो दो सीसी लगाएं तो फिर 6 महीने में, फिर वो आपकी मर्जी आपके ऊपर है, ठीक है ना। बाकी अभी दाना साफ कर लें, फिर जो है इनको इसको भी लगाते हैं, और ये लोग भी अपना दाना वाना साफ कर लें, फिर जो है तीनों को लगाते हैं। तो दोस्तों अभी जो है ना हमारे दुम्बों ने भाई सबने दाना वाना साफ कर लिया हुआ, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो अब जो है ना मैं तीनों के जो है इंजेक्शन लगा देता हूँ ये ना, और देखता हूँ अगर मैं व्लॉग बना सका ना तो मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि यार ये जो हमारे दुम्बे हैं ना ये एक जगह टिकते हैं नहीं, तो आपको मेरा नहीं ख्याल मुश्किल ही आपको नज़र आए, क्योंकि एक तो इनको पकड़ नहीं सकते आप, और इंजेक्शन मुझे लगाना पड़ेगा पकड़ के, इनको हम पकड़ेंगे ना तो यार ये इतना आगे पीछे भागते ना। और ये देखिए इस वाली के तो यार कुछ ज़्यादा ही इतना जुएँ ना हो गई हैं, और ये पता है हुई कैसे हैं यार, ये हमारे ना रैबिट्स हुई हैं, रैबिट्स को ना हमारे किसी जो हम लेकर आए थे ना बाहर से, इनमें किसी में जुएँ आ गई थी, तो इनसे जो है हमारे दुम्बों में हो गई, इस वाले में तो मुझे बहुत ज़्यादा ही नज़र आ रही है, देखिए अगर आपको भी नज़र आ रही हो तो यार। बाकी हम ना मुझे याद आ गया हमें रैबिट्स की भी करनी थी यार वैक्सीन, मगर अभी हमारे पास ना रैबिट्स के लिए सिरिंच नहीं है, रैबिट्स की जो वैक्सीन करने के लिए ना हमें इंसुलिन वाली सिरिंच लानी पड़ेगी। अच्छा उनके भी ना यही वाली जो है आइवरमेक्टिन ही लगता है इन सबको भी, और इनके भी थोड़ी बहुत जुएँ हो रही है, पता नहीं ऐसे नज़र आ रही हो नहीं आ रही हो, मगर इनके भी हो रही है इन्हीं से, हाँ तो इनके भी थोड़ी बहुत हैं, वो पता नहीं अंदर छुप जाती है इनके तो, क्योंकि बाल बड़े हैं ना, और इन्हीं रैबिट्स से ही ना हमारे दुम्बों के लगे, वरना हमारे दुम्बे के तो हाँ, वरना भाई दोस्तों हमारे ना दुम्बो के भाई किसी के नहीं थी, क्योंकि हम प्रॉपर ना वैक्सीन करके रखते हैं, क्योंकि मैंने ये देख सकते हैं ला के रखा भाई बड़ा, ये तो आधा हो गया, तो अब मैं रात तक ना जाके जो है इंसुलिन वाली सिरिंच ला के अपने रैबिट्स के भी कर दूंगा, ताकि यार किसी भी ना हमारे सेटअप पे सारे किसी बर्ड्स के हो ना, ना बर्ड्स के मतलब किसी चीज़ के भी ना जुएँ वगैरह ना हो, वरना यार ये नुकसान देंगी फिर हमारे ना जो है दुम्बे वगैरह सही बनेंगे नहीं, क्योंकि इनको जो है फिर वो आपको पता तंग करती हैं जुएँ वगैरह हो जाती, तो फिर तो अभी चल के मैं देखता हूँ लगाता हूँ, अगर दिखा सका तो मैं आपको दिखा दूंगा, वरना फिर लगा के ना आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों अभी जो है ना मैंने अपने दोनों बड़े वाले दुम्बों को तो लगा दिए, दोनों देख सकते हैं अभी सीधे खड़े हो गए, थोड़ा ना अभी मचल रहे थे, और ये अब मैंने छोटे वाले दुम्बे के लिए इसमें भर लिया, ये देख सकते हैं इसमें 1% लिया है, वो 1 cc लिया है, अब जो है ना हम इसके लगा देते हैं शेरू के ना, ठीक है। अब जो है इनको जो है वो शामिर आपको ब्लॉग बना के दिखा देगा, क्योंकि उसके तो यार थोड़ा बना नहीं सकते थे, उनको पकड़ना पड़ता है, ठीक है ना। अब जो है मैं जरा इसके लगाता हूँ, फिर वो शामिर आपको दिखाएगा। तो अभी चाचू है ना शेरू को लगा रहे, तो देख चाचू मछली का बहुत बुरा, इतनी जल्दी चाचू। हाँ तो शामिर ऐसे ही लगता है थोड़ा सा, अभी देखें दोस्तों इसके लगा दिया, देखें थोड़ा सा इसको ना खारिश वारिश होगी, देख सकते हैं ये कि बस थोड़ी बहुत होती, क्योंकि ना ये आपको पता है इंजेक्शन लगता है असर करता है ना, तो समझ लीजिए खारिश हो रही है तो मतलब इसके असर कर रहा है, देख रहे दोस्तों अगर ये इंजेक्शन असर नहीं करेगा ना तो दुम्बा बिल्कुल सीधे ना नॉर्मल बैठ रहेगा। अभी देखें थोड़ा सा ये ना अभी देख रहे हैं आपको उसकी एक्टिविटी ना थोड़ी अलग हो गई है, थोड़ा ये परेशान हो रहा है, क्योंकि आपको पता है इंजेक्शन लगा है अभी जगह को हम ज़्यादा थोड़ा बहुत सहला देते हैं, अभी जो देख सकते हैं इसके लग गया माशाल्लाह,
कोई इसके ना ब्लड व्लड कुछ भी नहीं निकला, ठीक है। अभी इसके भी लग गए और दोनों उनके भी लग गए माशाल्लाह, वो तो खाने लग गए क्योंकि आपको पता वो बड़े दुम्बे हैं, उनमें तो इतना पता ही नहीं लगता। और ये जो थोड़ा बहुत देखें अभी थोड़ा मस्तियों में आ गया है क्योंकि इसको ना अभी फील हो रहा है, जो हैवी होता है ना ये इंजेक्शन आपको पता है, तो अभी थोड़ी देर में दाना वाना खाना शुरू कर देगा। हाँ हाँ तो भाई हाँ, बाकी अब दोस्तों इनको जो है अब आज क्या तारीख है शामिल, 7 तारीख, 7 तारीख है ना दोस्तों, तो इंशाल्लाह अब इनको 10 दिन बाद फिर हम जो है रिपीट करेंगे 17 तारीख को, फिर जो उसके बाद 10 दिन बाद फिर दोबारा रिपीट करेंगे, तो 3 बार जो है हैं। हाँ तो दोस्तों इनको ना 3 बार हमें रिपीट करना ये वाला, और दोस्तों इंशाल्लाह कल जो है ना हम इनको एक और इंजेक्शन लगाएंगे अपने दोनों दुम्बों को, ये तो अभी बहुत छोटा है इसको ज़रूरत भी नहीं है लगाने की ना, बस इन दोनों को लगाएंगे क्योंकि इनको ना मैं आपको बताऊंगा अभी इंशाल्लाह कल के हमें एक और कौन सा इंजेक्शन लगाना है इन दोनों को, जिससे जो है हमारे दुम्बे माशाल्लाह जो है अच्छी ग्रोथ भी करें, और जो है हैं हाँ कल एक और इंजेक्शन लगाना है, वो खाल वाला नहीं होगा, अभी तो खाल वाली वैक्सीन हो गई ना इनकी, इंशाल्लाह कल जो लगाएंगे वो इंजेक्शन इनका लगेगा गोश्त में, और वो फिर वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा भी कि वो हमने कौन सा इंजेक्शन लगाया है, और उससे ना इनकी ग्रोथ व्रोथ में भी ना फ़र्क आता है माशाल्लाह, अच्छी ग्रोथ करते हैं क्योंकि मैंने पहले भी इनको लगाया था, और अब इन मेरे ख्याल से 2.5-3 महीने पहले लगाया था, वो हर 2.5-3 महीने में ना लगाना पड़ता है, तो फिलहाल वो इनको मेरे ख्याल से 3 महीने हो गए, 3 महीने से ऊपर हो गए, अब जो है हम दोबारा इनको लगाएंगे इंशाल्लाह, फिर मैं वो कल लगाऊंगा क्योंकि अभी मेरे पास है भी नहीं, मुझे ना लेकर आना है, तो वो कल लेकर आ गया फिर मैं आपको लगा के इंशाल्लाह दिखाऊंगा। अभी तो भाई ये भी खाने लग गया और देख सकते हैं ये वाले भी शेरू भी माशाल्लाह खाने लग गया है, तो अभी इनको खाने देते हैं ठीक है। बाकी भाई अभी ना मुझे इनको पानी वानी पिलाना है, इंशाल्लाह पानी भी पिला देंगे, और वो वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आज तो मैंने भाई आप लोग को ना मैडम के चिक्स और लैला के चिक्स दिखाए थे ठीक है, तो मैं चल के आपको ज़रा वो भी दिखा दूँ, माशाल्लाह देख सकते हैं सारे भाई चिक्स जो है सारे माशाल्लाह हेल्थी और एक्टिव, ये देखें हमारी ये लैला है ना यार, ये बच्चों को टांगों में दबाती यार, इसके पास क्या करें समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चीज़ है, इतने भारी भारी पंजे हैं माशाल्लाह भाई इसके, और दोस्तों हमारे यहाँ सारे बच्चे अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। अच्छा ये वाला बच्चा देखें छोटा ही नज़र आ रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, ये देखें माशाल्लाह सारे बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो रही है, ये वाला बच्चा शामिल छोटा छोटा सा नज़र आ रहा है मुझे देखना, बाकी तो हाँ माशाल्लाह सही है, तो देखते हैं दोस्तों माशाल्लाह वैसे सही ग्रोथ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मतलब बिल्कुल ही, बस एक जो है मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, बाकी तो लोमन ब्राउन का तो माशाल्लाह सबसे अच्छी ग्रोथ कर रहा है यार, ये तो हाँ सबसे बड़ा ही लग रहा है माशाल्लाह, निकला ये बाद में था सबसे, मगर ये लग भाई सबसे ना बड़ा रहा है, इसकी तो दुम भी आने लग गई, अगर मैं अभी आएगा ना दिखाऊंगा आपको वो देखे, इसकी तो भाई दुम भी आने लग गई है माशाल्लाह भाई, ये अच्छी ग्रोथ कर रहा है, और अब चल के जरा ये मैडम के चिक्स को भी दिखा देते हैं। अच्छा दोस्त यार इनका केज भी ना इतनी जल्दी जल्दी गंदा होने लगा है इनका, इंशाल्लाह कल ना इनका केज भी साफ करेंगे, गंदे लग रहे शामिर, ये गंजे नहीं लग रहे, हमारी जो मैडम है ना इनकी सारी कलियां नोच नोच के खा जाती है यार, अभी शामिर हमारे पास केज नहीं है ना, क्या करें, केज की सेटिंग करते हैं, फिर जो है मैडम को अलग कर देंगे और चिप्स को इनके अलग कर देंगे, सब बोले अलग करो अलग। हाँ तो दोस्तों इंशाल्लाह भाई इनके ना केज की सेटिंग करते हैं कुछ ना, हमें 2-3 केज और बनाने पड़ेंगे ताकि हम सारे ना अपने बर्ड्स को केज में सेफ कर दें, क्योंकि हमें मैडम को अलग करना पड़ेगा, इनके देख रहे हैं सारी जो गर्दन की जो सारे बाल है ना ये खा रही है हमारी मैडम खा रही है, वरना अभी तक तो कवर भी हो गए होते पूरे, तो यही मसला है कि इनके ना जो है बाल पूरे हो नहीं रहे, और वहाँ हमने लोमन ब्राउन को भी शिफ्ट कर दिया, मैं आपको दिखा दूँ ठीक है ना, ये देख सकते हैं यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और पता नहीं इन्होंने आज अंडा दिया नहीं दिया, यहाँ पे शोर हो रहा थोड़ा, बात चलते अपने सेटअप पे उस साइड पे ना, और मैं पप्पा से पूछ लूंगा हमारी लोमन ब्राउन ने अंडे दिए या नहीं दिए, तो बाकी देखते हैं यार, फिलहाल तो यहाँ पे सारे माशाल्लाह सुकून से खा पी रहे हैं, और वो डक्स को देखें वहाँ पे बैठ गई हैं, क्योंकि ये तंग बहुत करती हैं हमारी मुर्गियों को ना, और हमारा कल ना यार जो है अपनी चिक्स को सेटअप से ना यहाँ पे शिफ्ट करने का फायदा ही नहीं हुआ यार, इतनी मेहनत से हमने शिफ्ट करे थे यहाँ पे, मगर कुछ बिल्लियों ने जो है हमारा नुकसान कर दिया, कुछ हमारा जो मुर्गा था वो यहाँ पे सेट नहीं हो रहा था। हाँ दोस्तों मैं यहाँ से जरा ये भी उठा लूँ, देख सकते हैं थोड़ा कम हो गया, वरना ऐसा ना हमारे रेबुस के मुर्गे गिरा के तोड़ दें। अच्छा वो शेरू को भाई पानी पिलाना है, अब लाके पानी वानी पिला देते हैं ठीक है ना। बाकी दोस्तों यार व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं इंशाल्लाह कल ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, अभी रखे लीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़। अब शामिर किसके लगाना है तुम्हें इंजेक्शन, रैबिट्स के लगाएंगे शामिर, लेकर आ जाएंगे सिरिंज, तो फिर रैबिट्स के भी लगाएंगे।